हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग विद ईज, दिस इज़ अ पार्ट फोर। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे अपनी 3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, तो उसी कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखेंगे। तो इसमें भी हम वही जो मैं आपको बताऊंगी, जो डेली इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेज हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेजेज फॉर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज हाई आई एम, देन योर नेम एंड यू। Here's an informal greeting you can ask when you meet new friends. If the person does not tell you their name, you can ask can you or and what's your name. अगर आप किसी नए फ्रेंड से मिल रहे हो, नए पर्सन से मिल रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो हाय आई एम पल्लवी एंड यू, लाइक उससे आप उसका नाम पूछ रहे हो। सेकेंड इज नाइस टू मीट यू। आफ्टर यू लर्न ईच अदर्स नेम इट्स पोलाइट टू से दिस फ्रेज। जब आपको एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। फॉर एग्जाम्पल हाय Hi Palvi, I'm Rohan. Nice to meet you, Rohan. Nice to meet you, too. Third is, where are you from? Ask this question to find out which country someone is from. You answer this question with I am from. तो उसके बाद आप conversation को जो आगे चलाना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि जिस person से आप बात कर रहे हो, his or her, you can ask where are you from. Like nice to meet you Palvi, so where are you from? तो I'm answering like I am from Punjab. Question number 4 is what do you do? Most adults ask each other this question when they met. It means what do you do for living? What's your job? I think this question is boring, so I ask other question, but many people will probably ask this question. So it's important to know what's it mean. तो काफ़ी जो adults हैं एक दूसरे मिलते हैं तो उनका जो most recent question जो होता है एक दूसरे से, that is what do you do, आप क्या करते हो? Like what do you do Palvi? I working as assistant professor in HGTB college. Sentence number 5 is what do you like to do in your free time? Instead of asking for someone's job title, I prefer to ask what they enjoy doing. The response here are usually much more interesting. तो अगर आप किसी का जॉब टाइटल नहीं पूछना चाहते तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को एक इंटरेस्टिंग मोड पर ले जाता है। लाइक वट डू यू डू फॉर योर फ्री टाइम? सो पल्लवी, वट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? I love to make educational video. I do this work regularly in my free time. Sentence number 6 is what's your phone number? If you want to keep in contact with someone you just met, ask this question to find out their phone numbers. You can replace phone number with email addresses if you want to know their email address. You might also hear people use a more casual can I get your as can I get your phone number. So what's your फ़ोन नंबर की बजाय आप कैन आई गेट यूर फ़ोन नंबर भी पूछ सकते हैं अगर उस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं। तो फ़ोन नंबर की जगह पे आप क्या पूछ सकते हो? ईमेल एड्रेसेस भी पूछ सकते हो। लाइक इट वुड बी ग्रेट टू मीट यू अगेन सम टाइम, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? सेंटेंस नंबर 7 इज डू यू हैव फेसबुक? मैनी पीपल कीप इन टच कॉन्टैक्ट थ्रू फेसबुक। इज यूज दिस क्वेश्चन टू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ अ फेसबुक अकाउंट। यू माइट ऑल्सो आस्क आर यू ऑन फेसबुक? तो फेसबुक इज़ अ मोर पॉपुलर सोशल मीडिया, तो इस पर हम काफ़ी फ्रेंड्स के साथ जो है टच में रह सकते हैं। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेट्स कीप इन टच, डू यू हैव अ फेसबुक? तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर करें, और जो भी आपके सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।